हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वाहिद नसीम इस वक्त न्यूज नशा पे मौजूद हूँ और मसला बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है। जो विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है ओलंपिक में, जबकि पूरा देश जो है वो खुशी मना रहा था इस बात की कि विनेश फोगाट रजत पदक जीत चुकी थी, और अब चूंकि उनको 100 ग्राम वजन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इसमें पूरे देश ने जश्न मनाया था, सोशल मीडिया भरा हुआ था, और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे। शायद जो आंदोलन किया था विनेश फोगाट ने और जिस तरह इनके साथ में खींचातान हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को भी चोट कर रहे थे लोग बाग, मगर अचानक 100 ग्राम वजन को लेकर फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसमें सवाल ये है कि एक शख्स हैं जिन्होंने इनकी जीत पर बधाई का ट्वीट तो नहीं किया था, यानी कोई मैसेज तो नहीं किया था, मगर हार के बाद ढाढ़स बंधाने वाला ट्वीट जरूर किया है। उसके मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, चंदन जी को जोड़ते हैं अपने साथ में, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ महज इत्तफाक है, या फिर ये सिर्फ जो है इत्तफाक ही था, या फिर इसके पीछे कुछ और है। चंदन जी, खैर मकदम है आपका न्यूज नशा में। जैसा कि आप जानते हैं कि विनेश फोगाट जीत चुकी थी रजत पदक, और अब वो फाइनल में मुकाबला लड़ने वाली थी, देश को इंतजार था, मगर इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सोशल मीडिया पर पूरे देश के अंदर एक जश्न का माहौल था और फाइनल जीतने की दुआएं हो रही थी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बीजेपी को टारगेट कर रहे थे लोग बाग, एक तरह से कहीं ना कहीं टैग कर रहे थे और रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, देश की सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी, मगर वो फिर भी रजत पदक जीत गई है, फाइनल में पहुंच गई है, और वो जीत कर अपनी काबिलियत को साबित कर देगी। तो मतलब क्या ये महज इत्तफाक है कि वो फाइनल में 100 ग्राम वजन से डिस्क्वालीफाई कर दी गई, और मोदी जी ने जो उनकी बधाई पर ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई का फोन की हमारे पास कोई सूचना नहीं, मीडिया में कोई सूचना नहीं, मगर अब जब वो डिस्क्वालीफाई हुई है, मोदी जी ने कहा है कि आप ये जो है मुकाबला जीत चुकी है, आप स्टार हैं, और पीटी उषा से भी जो है बात की है उन्होंने कि इसको इस पर क्या हम एतराज दर्ज करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते, इस पर आगे जो है हमारा प्राधिकरण क्या कर सकता है, इसको लेकर भी बात की है। तो क्या ये मामला इतना सीधा ही है या कुछ और है? देखिए, फिलहाल इस पर कुछ कह पाना आधिकारिक तौर पर कि जो है, या मतलब कुछ पक्के ढंग से कह पाना इस पर तो बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह घटनाओं ने टर्न लिया, जिस तरह से घटनाएं अचानक से बढ़ती हैं, उसको लेकर जो है कुछ सवाल, जैसे आज लोक सांसदों ने, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है ना, इन सब ने आवाज उठाई कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल हो गया था कल से, विनेश फोगाट ने जीत कर भारत का तो नाम ऊंचा किया ही, लेकिन इसमें दोनों तरफ से मतलब प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही थी, राजनीतिक तरीके से भी, और जो खेल प्रेमी है उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं, लेकिन राजनीति वालों को भी एक अलग खुशी था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी पे निशाना साध रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से जंतर मंतर पे हुआ था आंदोलन, जंतर मंतर पे उनके साथ बदसलूकी की गई थी पुलिस को के द्वारा, लाठीचार्ज वगैरह जो हुआ था, उसकी वीडियोस काफी वायरल हुए थे, तो उसको लेकर जो है राजनीतिक तौर पे भी लोग काफी मजे ले रहे थे और बीजेपी को निशाना बना रहे थे कि जिस बीजेपी के राज में ऐसा हुआ वो जो है देखिए यहाँ पर जाके यहाँ आपने रोका, मतलब तरह तरह के बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स वगैरह हो रहे थे, लोग ट्वीट्स कर रहे थे, लोग वीडियोस बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि उनका, उन्होंने जंतर मंतर पर प्रैक्टिस किया और फाइनल परफॉर्मेंस जो है ओलंपिक्स में दिया जिसमें कि वो जीत गए। अब अचानक से मतलब जहां पे कि इतना आप पूरा सेंटिमेंट्स हाई हो, एकदम पीक पे हो, लोग खुश हों, और दोनों तरह के लोग खुश हों, खेल प्रेमी की तो बात यहाँ हटा दीजिए, मामला चूंकि अब आप चर्चा में समझ रहे हैं, आप चर्चा राजनीतिक इस पे ही कर रहे हैं, तो जिस तरह से दोनों पार्टी की तरफ से ये था कि भाई आज जीत गई है और उन्होंने जो है यहाँ पे उनके साथ क्या क्या हुआ और ओलंपिक में जाके उन्होंने जो दिखा दिया कि असली दम उन्हीं में है, वो जीत सकती है, और अचानक से जब इस तरह का हुआ फैसला, तो इसमें देखिए हमें जो है मतलब जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले हमें मतलब देखिए जो उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है, पीटी उषा से बात करके, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मुखिया, उनसे भी बात करके उन्होंने कहा है कि इस पे जो है पता करना चाहिए और भारत की तरफ से अपील की जानी चाहिए अगर कुछ हो सकता है इसमें तो। लेकिन बात यह कि हमें इसके नियम को भी समझना चाहिए, जिसका नियम यह है कि जब जिस दिन मैच होता है उसके उस दिन सुबह उसके वजन को नापा जाता है,
वजन के लिए आप क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जिसके लिए आप मैच खेल लेते हैं। आज का दौर जो है ना बड़ा अजब है, जो व्हाट्सएप मीडिया यूनिवर्सिटी आप कहते हैं ना, मतलब तरह तरह की मैसेजेस फैलते हैं लेकिन लोग सही चीज नहीं जानते। तो हम न्यूज नशा के माध्यम से अपने व्यूअर्स को, लोगों को ये भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों की बात है आप वो भी देखिए, लेकिन आपको सही चीज क्या है उसका भी पता होना चाहिए कि आखिर कैसे हुआ ये मामला। ठीक है वो क्वालिफाई नहीं हुई, उनका मेडल चला गया, ठीक है हमें दुख है इस बात का, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर हुआ कैसे। ऐसा ये बताएं आप ये बताएं, फिर मैं एक अगला सवाल करूंगा। जी मैं उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये भी जानना चाहिए और हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरह से एक सही जानकारी जाननी चाहिए कि हर दिन सुबह जो है जिस दिन मैच होता है उस दिन सुबह उनका टेस्ट होता है, उनका वजन जिस वजन के लिए, जिस वजन के कैटेगरी के लिए वो क्वालिफाई करता है प्लेयर, उसका वजन की मापी होती है। वजन के मापी में खास बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि स्लीवलेस, सिर्फ एक सिंगलेट होता है, सिंगलेट मतलब सिर्फ एक कपड़ा, यानी कि आपके ऊपर जो स्लीवलेस शर्ट होगा सिर्फ उससे आपका वजन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा सही पे, तो उससे आपका वजन नापा जाता है। और उस वजन में अगर आप फिट पाए गए, मतलब जितने जितने जैसे 50 किलो का, अगर 50 किलो के अंदर है, 50 किलो है तब तक तो ठीक है, लेकिन 50 एक भी हो गया बाहर तो आप बाहर हो जाते हैं। तो इसमें नियम बहुत कड़े हैं। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है वहां पे भी तो गुंजाइश रहती है ना कि इधर उधर करने का, अगर किसी को टारगेट करना, वो गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नियम यही है। अब वो क्या हुआ नहीं हुआ, अब जिस तरह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिस तरह से दखल करेगा, जिस तरह से सांसदों ने आवाज उठाई है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सही बात क्या है वो सामने आनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर अब लगता है भारत सरकार भी इसमें पीछे नहीं रह पाएगी और इस पीछे नहीं रहेगी। मगर मैं थोड़े से सवाल और ऐड कर देता हूँ चंद्र जी, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जिस तरह से इनका जो कोच है वो हंगरी का है आलोक, वो जो एक कोच होता है और एक फूड जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो इनके फूड इंचार्ज होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन जो जब आपका हर सुबह, यानी कि आप तो जब खेल में एंटर करते हैं तब आपका वजन किया जाता है, फिर आपका कुश्ती से पहले यानी वजन आपका किया जाता है, तो जो आपका वजन कंट्रोल करने के लिए होता है वो जब आपका ओलंपिक में यानी एंटर में ऑफिशियली जब आपका वजन किया जाता है, तो क्या आपका कोच और आपका फूड कंट्रोलर, वजन कंट्रोलर, आपका ट्रेनर जो है, क्या उससे पहले आपका वजन चेक नहीं करता? क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 ग्राम मात्र जो है आपको खाना ज्यादा खिला दिया जाए, या उसके आपको कोई लिक्विड पीने को दे दिया जाए, या फिर कुछ ऐसी बातें की जाए कि आपको आपने अपने खिलाड़ी को ही मिसगाइड कर दिया हो, जिसमें मात्र 100 ग्राम तो आपने आधा गिलास पानी पी लिया तो 100 ग्राम वजन बढ़ गया, तो आपने जो है कहीं कोई फूड में कोई कॉन्फ्रेंसी तो नहीं हुई इनके साथ में? क्योंकि बड़ी सीधी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत पर कोई बधाई नहीं दी, मगर जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो हमदर्द बनकर वो सामने पेश आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को अटैक किया जा रहा था, यहां पर विनेश फोगाट की जीत को बीजेपी की हार में देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह सरकार ने उनकी एक नहीं सही, वो जंतर मंतर पर बैठे, वो इंडिया गेट पर बैठे, उनको घसीटा गया, तो कुल मिलाकर जो फजीहत हो रही थी सोशल मीडिया पे, ये इतना सा छोटा सा गेम करने में कितनी सी देर लगती है? क्या ये हो नहीं सकता? क्या इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है? आप छोड़ दीजिए कि आपको आपने ओलंपिक के निजाम को जो है वो अपने अंडर में लिया होगा, या फिर उसे उनको फोन कहकर डिस्क्वालीफाई कराया गया होगा, ये संभावना नहीं है। पर संभावना तो उनके अपने अंदर हो सकती है, क्योंकि वजन करने वाले, उनके ट्रेनर, उनको खाना खिलाने वाले, वो उनके साथ ही होते हैं, और कुश्ती से पहले ऑफिशियल वजन कराने से पहले तो ये खुद भी वजन करते हैं, तो क्या इनको जानबूझ के 100 ग्राम वजन करके भेजा गया? देखिए ये सवाल आपका बेहद राजनीतिक है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जो आपको बात बताया, देखिए संभावनाएं तो आप आदमी के नियत पर अगर आप शक करेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर शक करेंगे, इसलिए मैं निजी तौर पे मैंने क्या कहा, ये सारी चीजें सामने आना चाहिए, नियम ये कहता है। अब आपको याद होगा कि एक खिलाड़ी थे ओलंपिक में भारत के, इधर मैं नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, उनका मन जो जब होटल में थे खेल के एक दिन पहले, उन्होंने आइसक्रीम देख लिया नीचे और उनका मन हो गया कि आइसक्रीम खा के आए, और आइसक्रीम वो खा के उसके कारण उनका वजन बढ़ गया। वो आइसक्रीम खाने से उनका वजन बढ़ गया। मेरा सवाल सुनील जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा, अगर विनेश फोगाट ने,
हाँ, आप अविनेश फोगाट ने अगर अपनी गलती से 100 ग्राम वजन बढ़ाया है तो देश की जनता के सामने आना चाहिए, और अगर ट्रेनर की मौजूदगी में, उनके वजन कंट्रोलर की मौजूदगी में, उनके फूड कंट्रोलर की मौजूदगी में और उनके कोच की मौजूदगी में अगर कुश्ती से पहले 100 ग्राम वजन उनका बढ़ जाता है, यानी पहली कुश्ती जब जीती थी तो वजन सही था, चूंकि कुश्ती के पहले तो वजन इनका होता है, वो अगर अगली फाइनल की कुश्ती में 100 ग्राम वजन बढ़ा है तो हम क्यों ना इसे शक की नजर से देखें कि किसी ना किसी कॉन्स्पिरेंसी के तहत जो है इनका वजन बढ़ा दिया गया है, या फिर विनेश फोगाट ने खुद अपना वजन 100 ग्राम बढ़ा लिया है ताकि वो डिस्क्वालिफाई होकर हार कर अपने घर वापस आ जाए। तो अगर यहाँ ओलंपिक किसी को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार के अंडर में प्राधिकरण को लेकर, एसोसिएशन को लेकर ही तो सारा आंदोलन था। एसोसिएशन और उनकी जो टीम होती है, जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उसी को लेकर तो पूरा झगड़ा था। तो ये तो फिर वहीं आकर झगड़ा खड़ा नहीं हो गया क्या? मैं कह तो रहा हूँ कि आपका सवाल बहुत ही राजनीतिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अगर प्राधिकरण को करना ही होता तो जो पहला मैच था उसमें भी करता। मैं प्राधिकरण को क्लीन चीट नहीं दे रहा, या मैं इस तरह नहीं कर रहा हूँ कि प्राधिकरण ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है ना कि जब 24 घंटे पहले जब मैच हुआ उसमें आपका सब कुछ ठीक था, वजन ठीक था, और अचानक से जो 24 घंटे बाद मैच होना है उसमें आपका ये वजन ज्यादा हो गया। इसी के उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कहा ना कि एक खिलाड़ी थे जिन्होंने आइसक्रीम खा लिया, उनका वजन बढ़ गया, वो नहीं खेल पाए। तो ये तो बिल्कुल सब कुछ सामने आना चाहिए ना कि भाई आखिर इनको इनके रात में जो खाना होगा, या रात में या जो भी 24 घंटे में इनका जो भी खाना दिया हो गया होगा, जो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, जो जो वहां पे डाइटिशियन होंगे, जो ट्रेनर होंगे, उनको तो सब रिकॉर्ड में होता है। वो जब तक सामने नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। और इसी के लिए तो विपक्ष में जितने संसद में आज तो वहां पे भी आवाज उठाई गई, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, जितने विरोध में थे सबने कहा, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है, और पीटी उषा जी को कहा है कि आप इस बारे में पता करिए। ये जब तक सामने नहीं आएगा, और वजन देखिए बेहद मामूली बढ़ा है, 100 ग्राम बढ़ा है, 100 ग्राम, बात यह है कि सिर्फ 100 ग्राम जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है शक के घेरे में सवाल तो पैदा करता है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो गया। नरसिंह देखिए ऐसे अक्सर कई खिलाड़ियों के साथ हुआ, ये कोई नहीं, नरसिंह यादव थे, नरसिंह के साथ ऐसा हुआ था आपने, तो उसमें पता चला कि जो है उनकी किसी की पर्सनल वो थी, रंजिश थी, तो उसने उन्होंने जो है कहीं से ये करके कर दिया था। तो ये हो सकता है, इसको हम वही संभावनाओं पर, हम तो उन्हीं संभावनाओं पर तो बात कर रहे हैं, बेसिकली एसोसिएशन के साथ ही झगड़ा था, इसको हम नकार नहीं सकते। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि जैसे 24 घंटे में, एक तो मतलब देखिए कोई भी कॉमन आदमी कॉमन सेंस यही कहता है कि अचानक से क्या हो गया भाई, 24 घंटे में इनका वजन कैसे बढ़ गया, क्योंकि पहले दिन मैच उन्होंने खेला, वहां वो जीत गई, फिर अचानक से आज आप कह रहे हैं कि उनका वजन बढ़ गया 100 ग्राम। तो आखिर सारा सिस्टम सवालों के घेरे में, और सारा सिस्टम जब इस पे दबाव बढ़ेगा, जब इस पे जांच की जाएगी, तो सारा कुछ आएगा ना कि उनका डाइट चार्ट क्या था, क्या क्या उन्होंने लिया था, क्या क्या उन्होंने कंज्यूम किया था, क्या क्या उन्होंने खाया था, उससे पता चलेगा। तब पता चलेगा कि जो तय मानक है कि उनको ये खाना चाहिए था, उनको ये लेना चाहिए था, क्या उनके अलावे भी कुछ दिया गया था। देखिए नरसिंह के मामले में भी इसी तरह से पता चला था कि उनका डाइट चार्ट निकलवाया गया था। जी जी मैं मेरा फिर वही सवाल ये है कि जो अगर आपका 1 किलो वजन ज्यादा होता, 300 ग्राम वजन ज्यादा होता, 500 ग्राम वजन होता, तो आप मान सकते थे। आप 100 ग्राम वजन को तो अगर ट्रेनर पहले से कर लेते तो आप जो करके भेजते हैं, अगर इतना तो पसीना भी फोगाट जो है 4 डंड मार के इतना 100 ग्राम तो पसीना भी बाहर निकाल के कंट्रोल कर सकते थे। सवाल बड़ा बड़ा सवालों के घेरे में मामला इसलिए भी है, जैसा कि आपने अभी कहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो है इन्होंने जो पहली कुश्ती की थी जीती है, रजत पदक अगर जीता है तो अगर निजाम को ही करना था तो उसमें भी कर सकता था। मगर मेरा एक सवाल वहां भी ये बनता है कि अगर निजाम को ये थोड़ी पता था कि ये रजत पदक जीत के और ये बाकायदा फाइनल में पहुंच जाएगी, और फाइनल में पहुंचने के बाद जो मतलब रजत पदक जीतने के बाद भारत के अंदर लोग उन लोगों को टारगेट करने लगेंगे जिनके हरासमेंट की शिकायत लेकर, जिनके हरासमेंट की, मैनिपुलेशन की, हर चीज की शिकायत लेकर ये हमारी जो स्टार पहलवान है इन्होंने आंदोलन किया, पुलिस ने इनको घसीटा, सब कुछ किया गया इनके साथ में। अब अगर वही
चीजें जो है अगर हो, मतलब कुल मिला के वही तो डाउट हो रहा है ना चीजों का। और तब इसे राजनीतिक इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा देश में कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा देश सिर्फ और सिर्फ इसकी जीत को बीजेपी की हार से कंपेयर करने लगेगा। तब ये इस सिचुएशन नहीं थी, सिचुएशन तो ये बाद में बनी, इसीलिए शायद ये मतलब इसीलिए हुई हो, मैं ये नहीं कहता, मगर देखो शक तो जाता है क्योंकि मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ाना पीछे बैठी हुई टीम के बाएं हाथ का काम है। अगर आपने कोई लिक्विड पिलाने के नाम पे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कुछ को दे दिया, या फिर आपने खाने में कोई ऐसी चीज दे दी कि आपने जो है 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया, तो ये बहुत मामूली सा काम है। अल्टीमेटली देश के एक स्टार पहलवान की जो स्थिति आज हुई है और देश सदमे में है क्योंकि उनको शायद गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और वो अब नहीं बल्कि पिछला पदक भी शायद उनसे ले लिया जाएगा। अब आप जो है वो बिना पदक के लौटेंगी जबकि वो कुश्तियां जीत चुकी है। बस आखिरी शब्दों में इस पर आप क्लोजिंग मार्क क्या लगाते हैं बताएं। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका सवाल बेहद ही राजनीतिक है और मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये शक के घेरे में है, ये शक के घेरे में है और ये शक के घेरे में है, ये तब तक तो सवाल उठते हैं इस पे। मैं इस पे निजाम या किसी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना, सवाल, और इस तरह जितने सवाल उठते हैं उसका जवाब की तो देने की जिम्मेदारी बनती है ना कि ओलंपिक्स कमिटी की, भाई वो बताएं क्या क्या हुआ था। क्योंकि देखिए इन सब से विनेश फोगाट से भी अलग ये मामला है, हमारे देश में कई खिलाड़ी इस तरह के शिकार हुए, मगर विनेश फोगाट नहीं, नरसिंह भी इससे पहले हुए। तो ये एक पर्सनल रिवलरी या किसी के आप मतलब किसी को पसंद ना आने का खामियाजा या उस तरह का लड़ाई ना बने, तो इस तरह जैसे नरसिंह के मामले में हुआ, जैसे विनेश, तो ये चीज अब जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इसके तो इसकी तो तह में जाना पड़ेगा ना, कमेटी को रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो जाना पड़ेगा। जी वही मैं कह रहा हूँ, वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक मैं तो उस पर राजनीतिक तौर पर नहीं कमेंट कर पाऊंगा। आप बोल सकते हैं लेकिन मैं देखिए ये तय मानक पे ठीक है उनका वजन पाएगा, लेकिन ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिनके ट्रेनर थे, जो इनकी देखभाल कर रहा था, जो इनके जिनकी सुरक्षा में ये लोग थे, और ओलंपिक कमिटी, इनको बताना पड़ेगा कि भाई इनका वजन कैसे बढ़ गया 24 घंटे में, आखिर उनका क्या डाइट चार्ट था, क्या कहीं फॉल प्ले तो नहीं हुआ, किसी ने इनको कुछ और तो नहीं खिला दिया, आखिर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण, और क्या इनके ट्रेनर को पता नहीं था कि कल फाइनल होने वाला है और इनका वजन हमेशा हमें कंट्रोल में रखना है इनको। जी ये सब फाइनल कमेंट आपका आ गया है दादा जी, आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम जरूर कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही गहन विषयों पर बातचीत करने की। देखो दोस्तों कुल मिलाकर चंदन जी का भी यही कहना है कि क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती, मगर ये आप लोगों को भी शायद याद रखना चाहिए कि 6 से 7 लोगों की टीम होती है एक खिलाड़ी के पीछे, जो उसके ट्रेनर होते हैं, उसके फूड कंट्रोलर होते हैं, उसके डॉक्टर्स होते हैं, उसके वजन बार बार किया जाता है। अगर ये सब करने के बावजूद सिर्फ कुश्ती से चंद घंटों पहले या चंद मिनटों पहले आप वजन कराते हैं और 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है तो ये पूरी टीम की लायबिलिटी तो वैसे ही बन जाती है, मगर ये वजन बढ़ा हुआ उनको सजा क्या दी जाती है, या फिर उसी तरह फिर ये जो है मेरे विनेश फोगाट देश में आकर कहेगी कि मुझे डाइट में फला चीज मेरी साथ इस तरह का मैनिपुलेशन किया गया था, और वो फिर आंदोलन करेगी और फिर उनको पुलिस सड़कों पर घसीटेगी, शायद ये नौबत ना आ जाए। हालांकि मोदी जी ने बड़ी सीधी बात है कि रजत पदक जीतने पर बधाई क्यों नहीं दी थी, और अब उनके हारने के बाद, उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्यों सांत्वना देने की कोशिश की है। क्या जिस तरह सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, उनके मंत्री को जनता ने टारगेट किया, क्या उसका उल्टा मजाक उड़ाने का काम किया गया है या याद दिलाने का काम किया गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इजाजत दें, इतना ही याद रखें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ा दें। खुदा हाफिज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।